दोस्तों आपको पता ही होगा कि अच्छी बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज के साथ में आपको अच्छी डाइट लेना बहुत जरूरी है, और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सस्ती वाली डाइट प्लान बताने वाला हूं जिसको आजमा के आप अपनी बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हो। आपको किसी भी प्रोटीन सप्लीमेंट की, प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको डाइट बता रहा हूं ये खा के आप अपनी बॉडी बहुत अच्छी बना सकते हैं। जो मैं आपको डाइट प्लान बताऊंगा इसमें मैं 5 मील्स बताऊंगा, क्योंकि अच्छी बॉडी बनाने के लिए आपको मिनिमम 5 मील लेना एक दिन में बहुत जरूरी है। उसके साथ में अलग अलग टाइमिंग्स में मैंने डिवाइड किया है, तो उस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस टाइमिंग में क्या खाना है। सबसे पहले आते हैं अपने सुबह के ब्रेकफास्ट पे। जो ब्रेकफास्ट हमें लेना है 8 से 9 बजे के बीच में, इसमें आपको क्या लेना है, इसमें लेना है 1 ग्लास दूध। उसके साथ में आप ले सकते हैं मूंगफली, 25 ग्राम मूंगफली लेनी है आपको, जो बिना छिलके वाली मूंगफली होती है उसी को खरीदेगा, वो आपको सस्ती पड़ती है। उसके साथ में आप ले सकते हैं सोयाबीन 25 ग्राम, या फिर आप लोग ले सकते हैं भुना चना 25 ग्राम। ये हो गया हमारा सुबह का नाश्ता। उसके बाद में जो अगला टाइमिंग है जो हमारा होगा लंच, जो कि हमको 11 से 12 बजे के बीच में करना है। इसमें हमें लेने हैं 2 अंडे। अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं तो आप लोग अंडे की जगह पे ले सकते हैं 50 ग्राम पनीर। उसके साथ में आपको लेना है रोटी, या आप चावल भी ले सकते हैं, मैं प्रेफर करूंगा कि आप रोटी लें। बहुत से लोग क्या होता है कि रोटी को बहुत नॉर्मल सी चीज समझते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, जो आपके घर में नॉर्मल रोटी बनती है, अगर पतली रोटी बनती है तो उसमें मिनिमम 4 ग्राम प्रोटीन होता है, और अगर थोड़ी मोटी रोटी बनती है आपके घर में तो उसमें 6 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि एक अंडे के प्रोटीन के बराबर होता है। तो आप लोग रोटी लें वो ज्यादा अच्छा है। उसके साथ में आप लोग ले सकते हैं सब्जी, या फिर आप लोग ले सकते हैं दाल। दाल आप लोग किसी की भी ले सकते, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप लोग दाल लें, दाल में प्रोटीन आपको थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा लंच, जो कि हमें 11 से 12 के बीच में करना है। उसके बाद में आते हैं अपने प्री वर्कआउट मील, जो कि हमें एक्सरसाइज करने से पहले खाना होता है, जिसका टाइमिंग हम रख रहे हैं 3 से 4 बजे के बीच में। इसमें आपको क्या लेना है, इसमें आपको लेने हैं बनाना, 2 केले लेने हैं आपको। उसके साथ में भीगा हुआ चना आप लोग ले सकते हैं 50 ग्राम, या आपको एक मुट्ठी ले सकते हैं, या एक कटोरी छोटी सी उसमें आप लोग चना ले सकते हैं भीगा हुआ। ये आपको खाना है एक्सरसाइज करने से 25 मिनट पहले, 3 से 4 बजे के बीच में। उसके बाद में आपको लेना है पोस्ट वर्कआउट मील, जो कि आपको अपनी एक्सरसाइज करने के बाद में लेना है, जिसका टाइमिंग हम रखेंगे 5 से 6 बजे के बीच में। आपको मैं एक बात बता दूं कि पोस्ट वर्कआउट मील में जो हम एक्सरसाइज के बाद लेते हैं उसमें हमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी ज्यादा लेनी होती है। इसमें हम क्या लेंगे, 2 अंडे लेंगे। अगर आप लोग वेजिटेरियन है तो आप लोग 100 ग्राम पनीर ले सकते हैं। उसके साथ में मिनिमम हमें 3 रोटी लेनी है। उसके साथ में हमें दाल लेनी है, दाल आप लोग जो लीजिएगा वो थोड़ी सी गाढ़ी लीजिएगा। उसके साथ में आप लोग सोयाबीन की सब्जी, जो सोयाबीन की खली आती है इसको सोया चंक्स भी बोलते हैं, उसकी आप लोग सब्जी भी ले सकते हैं। ये हो गया हमारा पोस्ट वर्कआउट मील। उसके बाद आते हैं अपने रात के खाने पे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि रात में बहुत ज्यादा देर में खाना मत खाइए, थोड़ा सा पहले खाइए, और उसके बाद में खाना खाने के 1-2 घंटे बाद आप लोग सो सकते हैं। जो हमने रात का खाना रखा है वो रखा है 8 से 9 बजे के बीच में। बहुत भारी खाना नहीं खाना होता है रात में आपको। इसमें आप लोग क्या ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, 50 ग्राम पनीर ले सकते हैं, और उसके साथ में आपको लेना है भुना चना 50 ग्राम। ये दोनों चीजें आपको साथ में खानी है और धीरे धीरे चबाते हुए खानी है। जो हमारा पनीर होता है इसमें स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है, जो धीरे धीरे पचता है। हम लोग रात भर सोते हैं तो हमारी बॉडी को धीरे धीरे प्रोटीन मिलता रहता है, और इस डाइट को अपना के आपको डेली 120 ग्राम से लेके 130 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। देखिए आपको प्रोटीन कितना लेना होता है पूरे दिन में, ये भी मैं आपको बता दूं। मान लीजिए अगर आप लोग 60 किलो के हैं तो आपको 120 ग्राम प्रोटीन लेना है, मतलब आपका जितना वजन होता है उसका जस्ट दुगना ग्राम आपको प्रोटीन लेना होता है। और जो मैंने आपको डाइट बताई इसमें आपको 120 से 130 ग्राम प्रोटीन आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये डाइट आजमा के आप बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हैं बहुत सस्ते में, किसी सप्लीमेंट की आपको जरूरत नहीं है। कैसा लगा मेरा वीडियो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा वीडियो में, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।